बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। इस दौरान सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर एक्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा ज्ञापन। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड। मौसम विभाग की ओर से राज्य के 15 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बता दे, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 25 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। रुपेश हत्याकांड पर कहा कि लिखित ले लीजिए, अपराधी जल्द होगा गिरफ्तार। तो डेफिनेटली अपराधी पकड़ा जाएगा। पुलिस को आप कानून को ये नहीं कि किसकी सरकार है, लेकिन प्रशासन एक अलग डिपार्टमेंट है, वो हमेशा मुस्तैदी से काम करता है और हिंदुस्तानी पुलिस और हिंदुस्तानी प्रशासन पुलिस का एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज है और डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। बचेगा अपराधी, कोई बचेगा नहीं, ये तो आप लोग लिखित ले लीजिए। रांची के रिम्स में भी लगाया गया कोरोना का टीका। सुरक्षा कर्मी बैजू प्रसाद को लगाया गया पहला टीका। मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन बीवी प्रसाद भी रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ प्लूरल्स पार्टी के द्वारा शहीद जुब्बा सैनी पार्क से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर निकाला गया कैंडल मार्च। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में दोनों जिलों के जिलाधिकारियों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत जिले में चलने वाले कार्यक्रम को लेकर हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। मुजफ्फरपुर और मसौढ़ी में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण के अभियान के तहत भक्तों के द्वारा निकाला गया जुलूस। इस दौरान भक्तों में मंदिर निर्माण को लेकर दिखा खासा उत्साह। मुजफ्फरपुर जिले में ठंड का कहर जारी, गरीबों का जीना हुआ मुहाल, तो वहीं लोगों को लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम में सांसद गीता कोड़ा, स्थानीय विधायक, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का किया गया शुभारंभ। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम में नेहरू युवा केंद्र ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम कैच द रेन का किया आयोजन। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। अरवल में इनकलाबी नौजवान सभा आईसा ने किया सभा का आयोजन। इस दौरान आईसा के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। लातेहार में झारखंड सरकार द्वारा संचालित तेजस्विनी परियोजना के तहत सैनिटरी पैड बैंक का किया गया उद्घाटन। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत के मुखिया रहे मौजूद। सहरसा के गंगजला में स्थित एक दुकान में गैस रिसाव से लगी भीषण आग। घटना में 4 लोग हुए घायल। फिलहाल घायलों को सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। लातेहार के बालूमाथ में वृद्ध पेंशन एवं सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में पात्रों का नाम शामिल नहीं किए जाने से नाराज वृद्धों ने प्रखंड कार्यालय के सामने दिया धरना। वहीं बीडीओ ने कार्रवाई कर पेंशन भुगतान करने का दिया आश्वासन। चाईबासा के नवामुंडी में लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद भी दुधबिला गाँव के 80 घरों के लोग नदी का पानी पीने को मजबूर, सुध लेने वाला कोई नहीं। सीवान में अपराधियों का तांडव, गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ नए डीआईजी मनु महाराज का किया स्वागत। मामला बबनौली पेट्रोल पंप का है जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति पर चलाई गोली। घायल को रेफरल अस्पताल कराया गया भर्ती। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद। सरवाढाला के पास सीएमएस कार्यरत कर्मी के तकरीबन 4 लाख रुपए लेकर आरोपी हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के बरहमपुर गांव में पेट्रोल पंप लूटने में असफल 5 अपराधियों को पिस्टल के साथ किया गया गिरफ्तार। एसएसपी बाबूराम ने बताया इन अपराधियों पर कई थानों में दर्ज है मामले। मसौढ़ी के चरमा मोर के पास सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के तरेत गांव के निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मुजफ्फरपुर में NH57 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग जख्मी। लखीसराय जिले के लाकुचक गांव के पास ऑटो और पिकअप में जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि एक घायल। वहीं घायल को इलाज के लिए भेजा सदर अस्पताल। जमशेदपुर के पोटका के बड़ा सिगदी गांव में चेचक का प्रकोप। इस दौरान सामाजिक संस्था पर्यावरण चेतना केंद्र ने स्टॉल लगाकर पूरे गांव में दवा का किया वितरण।